मोदी जी के चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट्स के नामों की घोषणा के बाद आखिर कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग गई, चलिए जानते हैं। देखिए, ब्रिक्स समिट के बाद ग्रीस का दौरा और ग्रीस के दौरे के बाद मोदी जी बिना आराम किए सीधे पहुंच गए इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने बेंगलुरु, और इसरो सेंटर जाकर उन्होंने कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं की। पहली, जिस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हुआ था यानी कि 23 अगस्त का दिन, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। नंबर 2, जिस जगह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी जिससे कांग्रेस को मिर्ची लग गई। मोदी जी ने कहा कि चंद्रयान 2 ने चांद के जिस जगह पर अपने आखिरी क्षणों में क्रैश लैंडिंग की थी वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। लेकिन ये बात कांग्रेस के कुछ सांसदों को रास नहीं आई, पर इन्हीं सांसदों को अगर पूछा जाए कि भैया साल 2008 में कांग्रेस ने चंद्रयान 1 के लैंडिंग पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट रखा था उसका क्या मतलब था, लेकिन मोदी जी ने शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट नाम देकर दुनिया को राष्ट्रवाद का संदेश दिया है। ब्रिक्स समिट के बाद मोदी जी दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस दौरे पर चले गए थे। अब ग्रीस से क्या लाए हैं मोदी जी, चलिए जानते हैं। देखिए, पिछले 40 सालों में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस दौरे पर गया है और वो है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटलिना सेकेला रोपोलू की तरफ से ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। अब मोदी जी बाहर गए हैं तो इंडिया के लिए कोई ना कोई फायदे का समझौता जरूर करके आएंगे, तो इस बार इस दौरे में इंडिया के ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात चल रही है। अब इससे भारत को ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिकली भी फायदा होगा। कैसे, देखिए, अगर भारत ग्रीस को मिसाइल देता है तो इससे भारत को आंख दिखाने वाले चीन, पाकिस्तान और तुर्की दबाव में आएंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरे के बाद जल्दी ग्रीस और भारत के बीच युद्धाभ्यास भी किया जाएगा, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये मोदी है तो मुमकिन है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर दुनिया के सभी देश मोदी जी की तारीफ करते थक नहीं रहे। अब ऐसा क्या हुआ था उस सम्मेलन में, चलिए जानते हैं। दरअसल इस साल हुए 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ग्रुप फोटो के लिए मोदी जी स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाकी देशों के झंडों के साथ हमारा तिरंगा झंडा भी जमीन पर पड़ा हुआ था। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी नेताओं को ग्रुप फोटो लेने के लिए उनकी जगह बताई जा सके। जमीन पर रखा तिरंगा देखकर मोदी जी ने तुरंत उसे उठा लिया और अपनी जेब में रख दिया। उन्हें ऐसा करता देख दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी अपने देश के झंडे को उठाया, पर जैसे ही एक कोऑर्डिनेटर इन दोनों से झंडा इकट्ठा करने के लिए आया तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तो झंडा दे दिया, लेकिन मोदी जी ने शायद ये कहकर तिरंगा देने से मना कर दिया था कि ये हमारे देश का झंडा है, ये है तो हम हैं, इसे हम अपने पास ही रखेंगे। मोदी जी को विदेश में तिरंगे का ऐसा सम्मान करते देखकर लोग उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, साथ ही हमें भी भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है।